करते थे, फाइलों में लिख के उस फाइल को आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब हम इसके तहत कैसे करें? मैडम है ना, अभी भी अगर किसी को कोई मोबाइल मैपिंग में प्रॉब्लम है तो वो अभी भी पूछ सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि फिर हम आपको प्लानिंग बताएंगे इस काम को आप कैसे डेस्कटॉप पे करेंगे। अगर प्रधान जी लोग चाहें कि अगर हमको कोई चीज बनवानी है तो कैसे इस डेस्कटॉप के माध्यम से कर सकते हैं? मैडम है ना, तो आप सभी को मैं एक्टिविटी प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। इसका जो काम है ये इसलिए है, इस बारे में है कि आपकी पंचायतों में जो चीजें हैं, जितनी भी सरकारी संपत्ति है, उसके बारे में क्या खराब है, ठीक है, नहीं है, वो सब कहाँ पर है, वो तो आप लोग मोबाइल ऐप से मैपिंग करके बता देंगे, वो हो गया। अब इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है ताकि आपकी पंचायतों का विकास हो सके, वो कैसे होगा? जो चीजें अभी नहीं है, जो आप चाहते हैं अपनी पंचायत बनवाना, स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय या जो भी चीजें हैं, कुछ खराब भी हो रहा है, बिल्डिंगें जर्जर हो रही है आपके पंचायत भवन, बारात घर नहीं है, जो चीजें आप चाहते हैं, तो उनका खुद से आप प्रस्ताव पूरा प्लान करके आप वेबसाइट के द्वारा कैसे उनको भेज सकते हैं, आगे की तरफ आपके प्रधान को इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद जो वीडियो तक जाएगा, फिर और DPR और अपर लेवल्स पे जाएगा, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आप कर सकते हैं। एक तो आपके द्वारा आप मैपिंग करेंगे, और ये जो एक्टिविटी प्लानिंग वाला काम है ये सिर्फ वेबसाइट के द्वारा ही हो सकता है। इसका भी कार्य चल रहा है कि कुछ समय में, कुछ सालों में ये मोबाइल से भी होने लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये वेबसाइट तक ही है। ये वेबसाइट आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसी वेबसाइट पे आप लोग काम करेंगे। यही जो भुवन पंचायत है जिसकी ऐप हमने आपको ट्रेनिंग दी, ये उसी की वेबसाइट है, www.bhuvanphuvanpanchayatpanchayatbhuvan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 panchayatbhu
भी हुआ है। जिनके पास प्रोसेस नहीं है वो कहीं नोट कर लें। एक मिनट। अब जो चीजें आप जो करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्राथमिक विद्यालय करवाना चाहते हैं, तो जो भी करवाना है उसके लिए सबसे पहले आपको जो दो चीजें बहुत जरूरी आपके पास होनी चाहिए, एक तो इसका प्रस्ताव भेजने के लिए आपको इस पर जमीन भी दिखानी पड़ेगी कि कहाँ पे आप उसको बनवाना चाहते हैं। जैसे आपको इसमें मोबाइल बता रहे हैं कैप्चर पोजीशन कर देगा कि कहाँ पे लगा हुआ है, जीपीएस से आप पोजीशन कैप्चर करते हैं, उसका अक्षांतर देशांतर हमें मिल जाता है। वही आप जिस स्थान पे बनवाना चाहते हैं उस जमीन का भी अक्षांतर देशांतर आपको इसमें बताना होगा। तो सबसे पहले तो जमीन का अक्षांतर देशांतर होना चाहिए, उसके लिए आपका पंचायत में जमीन भी होनी चाहिए। कोई खाली जमीन हो, जमीन नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, बिना जमीन को इसमें मार्क किए आप प्रस्ताव नहीं भेज पाएंगे। तो जमीन होनी चाहिए, जमीन का आपको अक्षांतर देशांतर लेना होगा और प्रधान के द्वारा लिखित में एक प्रार्थना पत्र उनके लेटर पैड लेटर हेड पे, मतलब उसमें, ताकि हमें पता चल सके कि प्रधान की भी अनुमति है उस कार्य के लिए। सबसे जरूरी है ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब जमीन का अक्षांतर
उसके लिए वैसे तो कुछ डिवाइसेस भी आते हैं, जीपीएस डिवाइसेस, लेकिन वो सब अब आप लोग के पास नहीं है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग के पास जो एंड्रॉइड फोन्स है, आपको इसमें ऐप से कुछ नहीं करना है। ये जो आपके एंड्रॉइड फोन्स है उसमें जो आपको बस ये सिंपल जो कैमरा है, कैमरा दे रखा है, उस कैमरे को ऑन करके आप उस जमीन पे जाके वहीं पे आप खड़े होंगे जहाँ पे बनना है, बस एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा। उस फोटो की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, आपके फोन में लोकेशन ऑन कर दी गई है, बताया गया कि सारा कार्य लोकेशन ऑन करके करेंगे, ठीक है। लोकेशन ऑन होगी, आप उस जमीन पे एक फोटो बस क्लिक कर लीजिएगा, फोटो की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी हम फोटो लेते हैं तो उसकी डिटेल्स फोन में सेव हो जाती है, डिटेल्स एक ऑप्शन आता है अगर आप लोगों ने देखा, उसमें किस तारीख को फोटो ली गई, कितने समय ली गई, कितने साइज की है, किस फॉर्मेट में है, कहाँ सेव्ड है, वो सब चीजें दे रखी होती है। लोकेशन ऑन करके आप फोटो लेंगे तो उसी डिटेल्स में सबसे नीचे लोकेशन भी, यानी कि उसका अक्षांतर देशांतर वहीं पे सेव हो जाएगा, लोकेशन ऑफ होगी तो नहीं आएगा। तो लोकेशन ऑन करके आप उस जमीन की फोटो ले लीजिएगा बिल्कुल वहीं खड़े होके, तो आप कहाँ पे खड़े हैं वही वो लोकेशन ले लेगा, तो जो डिजिट्स में आ रहा होगा अक्षांतर देशांतर उसको आप वहीं लिख लीजिएगा अपने पास, वहीं से आपको जमीन की लोकेशन क्या है वो आपको मिल गई। दूसरा कार्य जो आपको करना है कि प्रधान से प्रार्थना पत्र लिखवा लीजिएगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको उसको स्कैन करके, जिससे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे इस कार्य को करेंगे तो उसी में उसकी सॉफ्ट कॉपी जो होगी उसको सेव कर लीजिएगा वही, क्योंकि आपको उसको अटैच करनी होगी, अपलोड करनी होगी। तो ये दो चीजें, प्रधान द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र और जमीन का अक्षांतर देशांतर, ये आपके पास होना चाहिए। उसके आगे फिर अब कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा, जो स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है भुवन पंचायत की। यहाँ वो एक तो सबसे यहाँ कोने में देखेंगे IRS इमेजरी दे रखा है, IRS इमेजरी, इस पे आप क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट जब IRS इमेजरी वहां से ऑन कर लेंगे तब इसमें सैटेलाइट इमेज ऑन हो जाएगी, जैसे अभी पूरा व्हाइट दिख रहा था, अभी जैसे बिल्कुल सैटेलाइट इमेज, जैसे हमारी बिल्कुल पृथ्वी दिखती है हमारी आंखों से, कि वही सैटेलाइट की खींची पूरी है, हमें बिल्कुल आपकी जमीन कहाँ हरा है, कहाँ भूरा है, सफेद है, कहाँ नदी बह रही है उसे रंग की, वो सब सैटेलाइट इमेज उसमें दिखता है। तो IRS इमेजरी ऑन कर लेंगे तो ये सैटेलाइट इमेज हमारी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है रजिस्टर करने को और लॉग इन करने को, आप लोगों को वैसे रजिस्टर करवाया नहीं गया है, आप लोग रजिस्टर ऐप से भी कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बस एक बार आपको रजिस्टर करना है, वही यूजर नेम वही पासवर्ड आपका ऐप पे भी काम करेगा और वही वेबसाइट पे भी काम करेगा। आप चाहे वेबसाइट से रजिस्टर कर ले या फिर ऐप से, प्रोसेस पूरा वही सेम है, वही सेम डिटेल्स मांगेंगे, बस कहीं से एक बार आपको रजिस्टर करना है। नेक्स्ट, अगर रजिस्टर करना है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, अपना नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और कौन से ब्लॉक से है, कौन सी पंचायत, अगर प्रधान बैठे हैं अपनी पंचायत PRI लेवल पे, वो सब आप फिल करेंगे, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड और आप रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट, जो लोग ऑलरेडी से रजिस्टर्ड हैं तो वो सीधे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, तो लॉग इन पर बस आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे और आप लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप जैसे ही लॉग इन कर लेंगे तो उस वक्त जब आप ये कार्य कर रहे हैं उस वक्त आपकी जो करंट लोकेशन है जहाँ पर आप हैं वो आपको ये रेड निशान जो है वो ये दिखाने लगेगा। जैसे मैंने काफी सारे प्लान्स अपलोड किए हैं कई पंचायतों के, तो जैसे मेरी लोकेशन दिखा रहा है लखनऊ, जैसे मैंने जब ये प्रेजेंटेशन बनाई थी तो उस समय लॉग इन के बाद आपको अपनी करंट लोकेशन दिखाने लगेगा। नेक्स्ट, अभी जो ऊपर ग्रीन बार गया हुआ है इसी में ऑप्शन दे रखा है एक्टिविटी प्लानिंग का, एक्टिविटी प्लानिंग पे आप क्लिक करेंगे
करेंगे तब ये बॉक्स खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले प्लान एक्टिविटी दे रखा है, पहला ये ऑप्शन। प्लान एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जब प्लान एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे दाहिनी तरफ ये सरकार की तमाम स्कीमें आ जाएंगी जो पंचायत लेवल पे चल रही है। मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, सर्व शिक्षा अभियान, निर्मल स्वच्छ भारत, सब इसमें है। कई सारी स्कीम्स इसमें दे रखी है, क्योंकि जो भी आप कार्य करा रहे हैं वो किसी ना किसी इन्हीं स्कीम के ही द्वारा इसी के अंतर्गत में आपको कराना है, तो ये स्कीम्स इधर दे रखी है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आपको सिर्फ नेविगेशन जो पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें जाना होगा। उसमें सबसे नीचे सर्च का ऑप्शन आएगा, आप सर्च पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, तब ये एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे रखा है, वही हमारा अक्षांतर दिशांतर जो हमने जमीन की फोटो खींच के उसका अक्षांतर दिशांतर नोट कर लिया था, वही हमें इसमें फिल करना होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जमीन इसमें प्लॉट करनी है कहाँ पे बनना है, उसके बाद आगे का कार्य होगा, तो पहले हम उस जमीन का अक्षांतर दिशांतर इसमें डालेंगे। नेक्स्ट, तब ये जो लोकेशन आपके दिखा रही थी ये सीधे आपको फिर वो जमीन वो लोकेशन दिखाएगी जहाँ पे वो जमीन है जहाँ पे इसको बनना है। आप इस बॉक्स को भी ड्रैग करके नीचे कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे देख सकें। नेक्स्ट, जमीन दिखा रहा था, हम उसको पूरा जूम इन कर लेंगे, मतलब एकदम फुल जूम ताकि हम बिल्कुल नजदीक से देख सकें। अब ये बिल्कुल वो जमीन है, इस जगह पे हमें प्राथमिक विद्यालय बनवाना है। एक पीछे, ठीक है, हमने इसको इधर जूम कर लिया। अब इधर अपनी स्कीम सिलेक्ट करेंगे कि हम प्राथमिक विद्यालय किस स्कीम के द्वारा बनवा सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखी है सर्व शिक्षा अभियान, हम यहाँ से स्कीम सिलेक्ट कर लेंगे सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, अब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कई चीजें करवाई जा सकती हैं, आप टॉयलेट बनवा सकते हैं, क्लासरूम्स बनवाने हैं या रेनोवेशन का काम है, टीचर्स चाहिए या मिड डे मील है या फर्नीचर चाहिए, बहुत सी चीजें दे रखी हैं जो आप सर्व शिक्षा अंतर सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करवाना है, हमें प्राथमिक विद्यालय बनवाना है, तो सबसे ऊपर पहला ही दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। एक तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज